पहले एक बड़ी खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है। जैन साहब आपकी भी राय लेना चाहूंगा, वो है आपके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऑलरेडी रिकॉर्ड स्तरों पर रिसेंटली चल रहा था। जी के साथ भारत में F414 इंजन कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। तो जी के साथ ये इंजन का करार, हमने पहले ही आपको ये खबर बता दी थी। अब प्रधानमंत्री मोदी यूएस भी गए हैं और वहां पर हम देख रहे हैं कि ये पार्टनरशिप आपके लिए साइन होती हुई दिख रही है। तो जी एरोस्पेस के साथ इन्होंने ये करार किया है, फाइटर जेट इंजन के लिए ये करार है जो अब भारत में बनाए जाएंगे और इसमें HAL ये बनाने वाला है। तो बड़ी खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है, बड़ी खबर है HAL के लिए। स्टॉक ऑलरेडी इस खबर के आने से पहले शार्प शार्प रनअप दिखा चुका है, हमने आपके लिए रिपोर्ट भी करी थी कुछ समय पहले, और अब इस पर मुहर लगती हुई दिख रही है जो फाइनली है जी के साथ करार हो रहा है। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अनिल जी जो डिफेंस थीम है उसके लिए एक बड़ा बड़ा लेगअप है कि जी के साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है जो इस कामकाज में उनके साथ करार करके ये होगा। बिल्कुल, तो बड़ा करार होता हुआ दिखा है जिसकी उम्मीद थी भी, और ये अब आपके सामने फाइनली एक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ा एक्शन है। HAL मेरे ख्याल से बैन में है, अभी बैन में है। तो जैन साहब इसको छोड़ दो, इसके अलावा कोई स्टॉक हो डिफेंस वाला जो बताओ। नहीं, मैं तो इसके बारे में पूरा सोच चुका था अनिल जी। मतलब ऐसा देखा फल, मतलब कभी उम्मीद नहीं की थी हल से, मतलब वो क्या बोलते हैं, हल ऐसा स्टॉक निकला और ऐसा फल देगा वाकई में। मतलब इतना बल दिखाया स्टॉक ने और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब दो बार OFS आया, दोनों बार OFS के बाद से इतना बड़ा मूव देना, और ये जब ये मोदी जी की जो ट्रिप है यूएस की, उसके पहले सारे डिफेंस स्टॉक्स चले हैं, बोले वो GRSE हो या BDL हो या हल हो, ये सारे चलेंगे। और मुझे लगता है कि इंडिया में अभी डिफेंस का पूरा माहौल बना हुआ है, बिल्कुल डिफेंस वाले स्टॉक्स में बने रहे, और कई सारे डिफेंस के स्टॉक्स और भी हैं जो नॉन PSUs है, वहां पे भी हमने MTAR के बारे में आपने बात की, मैंने बात की, सेठी साहब ने की, सबने की है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए HAL में इतना बड़ा मूव देने के बाद भी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, और जो टॉप लाइन है वो जस्टिफाइड है, और बॉटम लाइन जस्टिफाइड है, और ऑर्डर बुक बहुत जबरदस्त, और बार बार नए नए ऑर्डर आ रहे हैं, तो एक अलग लीग की कंपनी बन रही है इंडिया की। जिस तरीके से सरकार ने समझ रखा कि डिफेंस को एक बड़ा सेक्टर बनाना है, तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और सबसे फ्रंट रनिंग कंपनी हल रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो हल में बना रहना चाहिए, और ये ऑर्डर बहुत पॉजिटिव है, बैंड में है, बात सही है, तो नीचे आएगा तो फिर मौका मिलेगा खरीदने का। तो GRSE भी बने रहे और मजगांव डॉक भी बने रहे, कोचिन शिपयार्ड भी बढ़िया लगता है, और आपके PDL भी बढ़िया लगता है।